द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स द बेट, रिटन बाय एंटन चेकोव। द बेट यानी कि शर्त। यह कहानी रशियन लेखक एंटन चेकोव द्वारा लिखी गई है। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बैंकर को देखते हैं जो पतझड़ के मौसम की एक रात को अपने स्टडी रूम में चहलकदमी कर रहा होता है और 15 साल पहले ऐसी ही रात को याद करता है जब उसने एक पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में कई बुद्धिजीवी लोग और जर्नलिस्ट मौजूद थे जो आपस में बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स पर बातें और चर्चा कर रहे थे, और इन टॉपिक्स में एक टॉपिक होता है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सज़ा। ज़्यादातर पार्टी में मौजूद लोग कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सज़ा के खिलाफ थे। उनके अनुसार मृत्युदंड की सज़ा पुरानी, अनैतिक और ईसाई राज्यों के लिए उचित नहीं थी। उनमें से कुछ लोगों की राय होती है कि मृत्युदंड की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद में बदल देना चाहिए। लेकिन बैंकर जिसने वह पार्टी आयोजित की थी उस बात से नाराज होकर गुस्से में बोलता है, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। मृत्युदंड उम्र कैद से ज्यादा नैतिक और मानवीय सजा है, क्योंकि मृत्युदंड व्यक्ति को एक बार मार डालता है, जबकि उम्र कैद व्यक्ति को धीरे धीरे हर दिन कई वर्षों तक मारती है। पार्टी में मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति बोला, दोनों सजाएं अनैतिक हैं, क्योंकि दोनों का मकसद जान लेना होता है। राज्य भगवान नहीं है, राज्य को किसी का जीवन लेने का कतई अधिकार नहीं है जिसे वह वापस नहीं दे सकता। अब मौजूद लोगों में से एक 25 वर्ष के नौजवान वकील से जब उसकी राय पूछी जाती है तो वह कहता है, मृत्युदंड और उम्र कैद दोनों ही अनैतिक हैं, लेकिन अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं उम्र कैद की सजा को चुनूंगा, क्योंकि मरने की तुलना में किसी भी तरह जीवित रहना ज़्यादा बेहतर है। चर्चा गर्म होने लगी। बैंकर भी नौजवान था और काफ़ी अमीर और उत्साही व्यक्ति था। अधिक उत्साह के कारण वह अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और उस नौजवान पर चिल्लाकर कहता है, यह सच नहीं है, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुम 5 सालों तक अकेले कमरे में कैद रह गए तो मैं तुम्हें 2 मिलियन रूबल यानी कि 20 लाख रूबल दूंगा। वह नौजवान युवक बोला, ठीक है, मैं शर्त स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं 5 साल नहीं 15 सालों तक अकेले कमरे में कैद रहूँगा। 15 साल, ठीक है, बैंकर चिल्लाया, नौजवान मैं 2 मिलियन रूबल शर्त पर लगाता हूँ। और इस तरह यह विचित्र बेतुकी शर्त को नौजवान युवक मंजूर कर लेता है। बैंकर एक बिगड़ा हुआ छिछोरे किस्म का काफ़ी अमीर व्यक्ति था। पार्टी में खाना खाते वक्त वह उस नौजवान को शर्त के बारे में एक बार फिर से सोचने को कहता है। वह कहता है कि उसके लिए 2 बिलियन रूबल एक मामूली रकम है, लेकिन वह युवक अपने सुनहरे 3 या 4 साल बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह युवक ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल ही इस शर्त को निभा पाएगा। वह उसे आगे कहता है कि कानून द्वारा हुई उम्र कैद की तुलना में जबरदस्ती कैद में रहना ज़्यादा कष्टकारी और कठिन होता है। जिस पल तुम्हारे मन में आज़ाद होने का ख्याल आएगा, उसी पल तुम्हारा अस्तित्व नष्ट होने लगेगा। और अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां कहानी की शुरुआत में वह बैंकर अपने स्टडी रूम में चहलकदमी करते हुए यह सब सोच रहा था। वह खुद से पूछता है, उस शर्त का क्या उद्देश्य था? उस नौजवान युवक के अपने 15 साल कैद में खोने और मेरे 2 मिलियंस बर्बाद करने में क्या अच्छाई थी? क्या वह शर्त यह साबित कर सकती थी कि मृत्युदंड बेहतर है या उम्र कैद? नहीं, यह सब बेतुकी और बेमतलब शर्त थी। मेरे लिए यह शर्त मौज मस्ती का बहाना था और उस युवक के लिए पैसों का लालच। बैंकर फिर से उस शाम की आगे की बातों को याद करने लगता है। उस शाम बैंकर ने उस नौजवान युवक के लिए कुछ कड़े नियम बना डाले थे, जैसे कि उस नौजवान युवक को बैंकर द्वारा दिए गए कमरे में रहना होगा, वह कमरे से बाहर नहीं आएगा, किसी भी इंसान से नहीं मिलेगा, ना ही बात करेगा, ना ही वह न्यूज़पेपर या लोगों द्वारा भेजे गए पत्र पढ़ेगा। लेकिन वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और किताबें मंगा सकता है, वह पत्र लिख सकता है, वाइन पी सकता है और स्मोक कर सकता है। वह इन चीज़ों को कागज पर नोट लिखकर कमरे में बनी एकमात्र खिड़की से मंगा सकता था। एग्रीमेंट में वह हर डिटेल होती है जो उस नौजवान युवक की कैद को पूर्णतया सख्त बना सके। अगर वह नौजवान युवक कोई भी नियम तोड़ता है या वहां से भागने की कोशिश करता है तो यह शर्त खत्म हो जाएगी और तब बैंकर को 2 मिलियन रूबल नहीं देने होंगे। अब शर्त के अनुसार नौजवान युवक बैंकर द्वारा दिए गए कमरे में शर्त के सारे नियमों का पालन करते हुए रहने लगता है। पहले साल वह नौजवान युवक
अत्यधिक अकेलेपन और मानसिक तनाव से गुजरता है। वह अपने कमरे में दिन रात पियानो बजाता रहता है। वह शराब और स्मोकिंग को ना कहता है। पहले साल में वह कुछ किताबें भी पढ़ता है जो रोमांस और फैंटेसी बेस्ड होती हैं। दूसरे साल वह नौजवान युवक पियानो बजाना बंद कर देता है और अब वह पढ़ने के लिए क्लासिक्स मंगाता है। क्लासिक्स उस साहित्य को कहते हैं जो काफी उच्च स्तरीय माना जाता है। पांचवें साल में हम नौजवान युवक की फिर से संगीत में रुचि देखते हैं, क्योंकि अब वह फिर से पियानो बजाने लगता है। अब उसने वाइन यानी कि शराब मंगाना भी शुरू कर दिया था। जो लोग उसे खिड़की से देखते थे तो पाते थे कि वह इस साल वह सारा दिन खाता पीता है और लेटा रहता है। कभी कभी वह गुस्से में अपने आप से बातें भी करता है। वह किताबें नहीं पढ़ रहा था। कभी कभी वह रात को उठता और घंटों तक कुछ लिखने लगता, लेकिन सुबह वह अपना लिखा हुआ फाड़ कर फेंक देता। छठवें साल में वह नौजवान युवक बड़ी तन्मयता से दर्शन शास्त्र, इतिहास और अलग अलग भाषाएं सीखने लगता है। नौजवान युवक ने अपने आप को अध्ययन में पूरी तरह डुबो दिया था। बैंकर को भी उसके द्वारा मांगी गई किताबों की व्यवस्था करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। आगे के 4 सालों तक बैंकर को 600 किताबें उस नौजवान युवक की मांग पर उसे लाकर देनी पड़ी। यानी कि हमें यहाँ से पता चलता है कि नौजवान युवक के अंदर किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की और सीखने की अत्यधिक रुचि जाग उठी थी। इसी समय नौजवान युवक बैंकर को एक पत्र लिखता है, जिसमें उसने 6 अलग अलग भाषाओं में कुछ लाइनें लिखी होती हैं। वह पत्र में बैंकर से रिक्वेस्ट करता है कि इन 6 भाषाओं में लिखी लाइनों को उन लोगों को दिखाना जो इन भाषाओं को जानते हो। अगर इनमें कोई गलती ना हो तो तुम अपने गार्डन में एक शॉट फायर कर देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि इन भाषाओं को सीखने में की गई मेरी मेहनत सफल हो गई है। वह लिखता है कि दुनिया के हर युग के विद्वान अलग अलग भाषाओं में अपनी बातें लिखते हैं, जिन्हें मैं अब पढ़कर समझता हूँ, और यह बात मुझे एक अलौकिक खुशी का अनुभव कराती है। नौजवान युवक की इस इच्छा को बैंकर मान लेता है और अपने गार्डन में फायर शॉट करवाता है, जिसे सुनकर नौजवान युवक समझ जाता है कि उसके द्वारा 6 भाषाओं में लिखी गई लाइनें सही थी। 10 सालों के बाद अब वह नौजवान युवक केवल बैठा रहता और गॉस्पल्स यानी कि ईसा मसीहा के जीवन और शिक्षाओं के वर्णन को पढ़ता रहता। उसके बाद वह धर्मशास्त्रों और धार्मिक इतिहासों के अध्ययन में डूब गया। आखिर के 2 सालों में वह नौजवान युवक अलग अलग विषयों में कई किताबें पढ़ने लगता है, नेचुरल साइंस, बायरन या शेक्सपियर। उसकी किताबों की मांग अलग अलग विषयों पर होती है, जैसे केमिस्ट्री, चिकित्सा शास्त्र, नॉवल्स, धर्मशास्त्र। वह कई विषय की किताबों को पढ़ रहा था। अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इन सारी घटनाओं को बैंकर अपने स्टडी रूम में बहुत गहराई से सोच रहा होता है। वह अपने आप से कहता है कि कल 12 बजे वह नौजवान युवक शर्त जीत जाएगा और उसे अपनी आज़ादी मिल जाएगी, और उसे अब उस युवक को शर्त के अनुसार 2 मिलियन रूबल्स देने होंगे। वह खुद से कहता है, अगर मैं उसे 2 मिलियन रूबल्स दे दूंगा तो मैं पूरी तरह बर्बाद होकर सड़क पर आ जाऊंगा। दरअसल इन 15 सालों में बैंकर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया था। 15 साल पहले बैंकर के पास बहुत धन था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर जुआ खेलने और अत्यधिक खर्चों की वजह से वह आज एक साधारण व्यक्ति रह गया था। बैंकर झुंझलाते हुए कहता है, वह युवक मरा क्यों नहीं? वह अभी 40 साल का है और अब वह आज़ाद हो जाएगा, शादी करेगा और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएगा। वहीं वह मुझसे मेरा बचा हुआ सब कुछ ले लेगा। बैंकर को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा होता है कि किसी तरह उस नौजवान युवक की मृत्यु हो जाए, इसलिए वह स्वयं उसे जान से मारने की सोचता है। तो दोस्तों, ये था द बैट कहानी का पार्ट 1। इस कहानी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए आप इसका पार्ट 2 ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।